Hello, good morning friends. Myself, Jatin Dave from Asapura School, and we are welcome all of you. We are going to continue lesson number 14, Source of Energy. And now we are going to discuss third point, 14.3, Alternative Source of Energy or Non-Conventional Source of Energy. इस टॉपिक की शुरुआत हम करेंगे एक क्वेश्चन के साथ. Why do we need to explore more and more sources of energy? Why do we need to explore more and more sources of energy? हमें ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ने लगी है इस बारे में, और यही हमारी पूर्व भूमिका है अल्टरनेटिव या फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को लेकर. डियर स्टूडेंट्स, विथ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीज डे बाय डे. सबसे पहले इसकी वजह है कि टेक्नोलॉजिकली हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के कारण रिक्वायरमेंट या फिर डिमांड फॉर द एनर्जी डे बाय डे दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रही है. सेकंड, अवर लाइफस्टाइल आर चेंज टू ग्रेट एक्सटेंट. हमारा जो लाइफस्टाइल है, मतलब कि हमारी जो जीवन शैली है, वो पूरी तरह से बदल रही है. इसकी वजह से भी ज्यादा जरूरत पड़ती है. वी यूज मशीन टू डू मोर एंड मोर ऑफ अवर टास्क. हम अपने कार्य को कंप्लीट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मशीनों का यूज करने लगे हैं. Our basic requirement are also increased as the industrialization improve our living standard. हमारी जो basic requirement है वो भी increase हो रही है, क्योंकि industrialization की improves के कारण हमारा जो living standard है, जीवन गुणवत्ता है, उसमें भी परिवर्तन हुआ है. और इस परिवर्तन के चलते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. एज अवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीज, वी नीड टू लुक फॉर मोर एंड मोर सोर्स ऑफ एनर्जी. और जैसे जैसे कि डिमांड ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज होता जा रहा है, हमारे लिए ज़रूरी बनता जा रहा है कि हमें एनर्जी के और सोर्सेज तलाश लेंगे. इसी सिलसिले में हमने 14.2 टॉपिक लिया था, जिसमें हमने इम्प्रूवमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल मेथड्स बाय यूजिंग द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इस पर डिस्कस किया. दूसरा विकल्प ये है, हमारी जो एनर्जी डिमांड्स हैं उसे फुलफिल करने के लिए, इसे कंप्लीट करने के लिए, और वो है यूजेस ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी या फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. देखिए, कुछ एक्टिविटीज़ को हम आपके सामने रख रहे हैं, और आपको याद करना है उस एक्टिविटी को लेकर कि क्या डिफरेंस है इस दोनों में. हम कंपेयर करेंगे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे साथ. देखिए, जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स स्कूल जाया करते थे, दे वेंट टू स्कूल बाय वॉकिंग, तभी पैदल जाते थे. एंड वी यूज एक्टिवा, कार और स्कूल बस. और हम स्कूल जाने के लिए बस या फिर एक्टिवा या फिर कार का यूज कर रहे हैं. हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दे गॉट वाटर फ्रॉम द वेल्स रिवर्स. वो पानी है वो कुएं से या फिर नदी से लाते थे. वी गेट वाटर फ्रॉम बोर बाय यूजिंग द सबमर्सिबल वाटर. और हम सबमर्सिबल वाटर पंप से पानी है वो अंडरग्राउंड से निकालते हैं, लिफ्ट करते हैं. सोशल गैदरिंग, ग्रुप मीटिंग, ड्रामा, फेयर्स, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन एक्सेट्रा वेर द मीन्स ऑफ देयर एंटरटेनमेंट. सोशल गैदरिंग होता था, ग्रुप मीटिंग भी होती थी, ड्रामा भी होता था, मेले भी लगते थे, फेस्टिवल सेलिब्रेशन भी होता था ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में, और ये सारी चीज़ें होती थी एंटरटेनमेंट के लिए. नाउ वी आर यूजिंग मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स मोस्ट ऑफ टाइम. अब हम दिन की ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मोबाइल और कंप्यूटर के साथ बिताते हैं. बिसाइड इट टेलीविज़न वॉचिंग मूवीज इन मल्टीप्लेक्स एक्सेट्रा. इसके अलावा भी हमारा जो है टीवी देखने का काम या फिर मूवी मल्टीप्लेक्स में देखने का काम तो है ही. आर द मीन्स ऑफ द एंटरटेनमेंट वी यूज. तो आज हमारा
एंटरटेन होने का नज़रिया है वो भी बदल गया है। हमारे लिए एंटरटेनमेंट के साधन, एंटरटेनमेंट की इवेंट्स भी बदल गई है। तो ये भी एक सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण वी नीड टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, अब चलते हैं ऐसे अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ और डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले सोलर एनर्जी के बारे में। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सोलर एनर्जी। द सन हैज बीन रेडिएटेड एन इनर्मस अमाउंट ऑफ द एनर्जी एट द प्रेजेंट रेट फॉर द नियरली 5 मिलियन ईयर्स एंड विल कंटिन्यू रेडिएटिंग एट दैट रेट फॉर अबाउट 5 मिलियन ईयर्स मोर। सूर्य हैज बीन रेडिएटेड ऑन द इनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो हमारे लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज अ रेडिएशन। और ये सिलसिला आज से नहीं, आज से 5 बिलियन ईयर्स पहले से लगातार चलता रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कंटिन्यू लगातार 5 बिलियन ईयर्स तक चलता रहेगा। ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सोलर एनर्जी रीचेस द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर, लेकिन इसमें से बहुत छोटा हिस्सा सोलर एनर्जी का ये आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर तक पहुंचता है। नियरली हाफ ऑफ इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय पासिंग थ्रू द एटमोस्फेयर, और जब एटमोस्फेयर में से पास थ्रू होता है तब इसमें से लगभग हाफ ऑफ द पार्ट एब्सॉर्बिंग होता है एंड द रेस्ट रीचेस द अर्थ सर्फेस, बाकी का है वो अर्थ सर्फेस की तरफ आगे बढ़ता है। मेनी ऑफ द सोर्सेस अल्टीमेटली डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम द सन। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हमारे एनर्जी सोर्सेस हैं जो अल्टीमेटली डिराइव करते हैं सोलर एनर्जी को, और सोलर एनर्जी ही कन्वर्ट होती है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी इज द इनएक्सिस्टिबल सोर्सेस, ये कभी खत्म न होने वाला एनर्जी सोर्सेस है। इट कैन बी यूज टू अप्लायंसेस, इस एनर्जी का यूज करते हुए हम बहुत सारी अप्लायंसेस का यूज कर सकते हैं हमारे डे टू डे वर्क के लिए, जैसे कि सोलर कुकर है, सोलर वाटर हीटर है, सोलर सेल पैनल है, सोलर फर्नेसेस है, ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जो सोलर एनर्जी के बेस पर काम करते हैं। इंडिया रिसीव सोलर एनर्जी फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर, वर्ष के 8 से ज़्यादा महीने हमारा जो आकाश है वो बिल्कुल स्वच्छ रहता है, क्लाउडलेस रहता है, और इसकी वजह से हम बहुत बड़ी मात्रा में सोलर एनर्जी है इसे रिसीव करते हैं। इंडिया रिसीव सोलर एनर्जी इज ग्रेटर देन 5,000 ट्रिलियन किलोवाट आवर, हमें जो सोलर एनर्जी मिलती है वो ग्रेटर देन 5,000 किलोवाट पर आवर, 5,000 ट्रिलियन किलोवाट पर आवर जितनी है। अगर जो इसका मतलब निकाला जाए तो डेली एवरेज हम 4 से 7 किलोवाट पर आवर पर मीटर स्क्वायर अंडर द क्लियर स्काई कंडीशन में एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर जो इंडिया के अंदर रिसीव होने वाली सोलर एनर्जी है उसकी मात्रा प्रतिदिन 4 से 7 किलोवाट पर आवर प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें मिलती है। तो ये बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसका यूज करने से हमने जो देखा, पहली जो भूमिका बनाई, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सोर्सेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसको बहुत हद तक हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये मेन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये अनएक्सिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये इस तरीके का एनर्जी सोर्सेस है जो विदाउट कॉज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन, इससे कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट होता। न सिर्फ इतना, लेकिन बहुत सारे एनर्जी सोर्सेस हैं ये सोलर एनर्जी का यूज करते हुए हम डिराइव कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी है इस तरह से हमारा मेन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। डियर स्टूडेंट्स,
इस वीडियो में हमने आपके सामने अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी कॉन्सेप्ट को प्राइमरी स्टेज पर क्यों हम सोलर एनर्जी के बारे में सोचे और सोलर एनर्जी क्या है, किस मात्रा में ये अवेलेबल है, इसके बारे में आपसे बातें की। आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया होगा। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम रोकेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हम आपके साथ दो सोलर इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोलर कुकर के बारे में और बाद में सोलर सेल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच।